नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर एक बार आज सैटरडे और हम आमने सामने। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि वास्तु करना कितना ज़रूरी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वास्तु। दोस्तों, बहुत बार हम लोग घर लेते हैं पर हमें वास्तु करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें लगता है कि वास्तु से क्या होता है। आइए दोस्तों, इसी बात पे आज चर्चा करते हैं। उसके पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में ये वीडियो शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी वास्तु के बारे में मैं बातें बताता हूँ ये फ़ायदा उनको भी मिले। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि वास्तु कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या वास्तु करना ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत बार हम लाखों में, करोड़ों में घर ले लेते हैं, और घर लेने के बाद हम लाखों में इंटीरियर करते हैं, पर कुछ चंद हज़ारों में वास्तु करना हम निग्लेक्ट करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी एक केस स्टडी बताना चाहूँगा। मिस्टर शर्मा, जो मेरे बहुत सालों से क्लाइंट थे डायमंड मार्केट में, वो डायमंड का बिजनेस करते थे। उनका घर भाइंदर में था और मैं अक्सर उनके घर पे जाया करता था वास्तु रिलेटेड। और जैसे ही उनके घर का वास्तु किया, वो वहाँ से फ्लरिश होने लगे, उसका काम अच्छा चलने लगा और वो एक के बाद एक प्रॉपर्टीज़ लेते गए। लेकिन जब भी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली, वो हमेशा मुझे दिखा कर लेते थे। एक बार लॉकडाउन में वो मुझे कांदिवली ठाकुर विलेज के एरिया में लेकर गए और मुझे कहने लगे, सर आपको ये घर देखना है और बताना है, अगर आप कहेंगे तो ये घर खरीदूंगा मैं। ठाकुर विलेज में वो एक बहुत अच्छे आलीशान कॉम्प्लेक्स में 18वें माले पे वो घर था। जैसे ही हम घर के अंदर गए, ऐसे लगा कि हम स्वर्ग में आए हैं। वेल फर्निश्ड फ्लैट था, उसकी बालकनी इतनी बड़ी, और 18वें माले से आप देखो तो पीछे बोरोली का नेशनल पार्क का फॉरेस्ट दिखाई देता था, और जब हमने ऊपर से नीचे देखा तो नीचे हिरन दौड़ रही थी और लिटरली फॉग घर के अंदर था। ऐसे लग रहा था कि घर आसमानों के बीच है, और इतना ब्यूटीफुली वो घर बनाया था। 5 बेडरूम का फ्लैट था, एक एक बेडरूम इतने बड़े बड़े, ब्यूटीफुल बेड्स, वार्डरोब्स, और एक एक बेडरूम में जो टॉयलेट्स और बाथरूम थे, वो बहुत सारे घरों में तो उतना बड़ा बेडरूम होता है। लैविश बाथरूम्स विद बाथटब, वंडरफुल फिटिंग्स, हर एक टॉयलेट बाथरूम ब्यूटीफुली क्राफ्टेड थे। सब बेडरूम्स बहुत अच्छे, बेड्स बहुत अच्छे, वार्डरोब्स, और किचन भी बहुत आलीशान था। इतना खूबसूरत से बनाया था, चिमनी, फ्रिज, माइक्रोवेव, एवरीथिंग वाज देयर इन द हाउस। आपको अगर वो घर लेना है तो आपको सिर्फ, जैसे हम होटल में जाते हैं तो सिर्फ कपड़े लेके जाने थे, इतना खूबसूरत घर था। मैं जब वास्तु का निरीक्षण करने लगा
और जैसे ही मैंने पूरा घर का वास्तु देख लिया तो मिस्टर शर्मा मेरे पास आके पूछने लगे, सर कैसा है घर? मैंने कहा घर तो बहुत अच्छा है, पर इसमें वास्तु किए बगैर हम रह नहीं सकते, इसमें स्लाइट चेंजेस करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स कोई डिमोलिशन नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, लेकिन विल हैव टू डू सम माइनर चेंजेस। तो मिस्टर शर्मा को भी वो घर इतना अच्छा लगा था कि वो कहने लगा, सर अगर कुछ किए बगैर हमने लिया तो, क्योंकि ये घर इतना खूबसूरत है कि इसको खरोच या कहीं पे भी ऐसा कुछ तोड़फोड़ करने को नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने कहा शर्मा साहब ये तो करना ही पड़ेगा। तब शर्मा साहब पूछने लगे, अगर मानो हमने वास्तु नहीं किया तो? तो मैंने कहा शर्मा साहब आप भाईंदर में रहते हो, आप एक साल के अंदर बोईसर चले जाओगे। अब यहाँ पे मैं जो बॉम्बे के बाहर हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि कोई भाईंदर और बोईसर मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, या बोईसर को मैं कोई छोटा नहीं बोल रहा हूँ, पर रेट वाइज जैसे भाईंदर में आज अगर 9-10 हज़ार स्क्वायर फीट फ्लैट मिलता है तो बोईसर में 3,000 स्क्वायर फीट में फ्लैट मिलता है। द डिफरेंस इज ऑफ द वैल्यू। तो वही बात मैंने उनको बता दी। मैंने बोला शर्मा साहब आप भाईंदर में रहते हो, आपने अगर वास्तु नहीं किया तो आप एक साल के अंदर बोईसर चले जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने सुना मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, सर आप एक बार फिर देख लो, फिर हम नीचे जाके डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वापस घर को बारीकी से देखा और देखने के बाद हम नीचे चले गए। जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे गया तो मिस्टर शर्मा वहाँ लॉबी में रुके हुए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, सर कैसा लगा फ्लैट? मैंने बोला फ्लैट तो A1 है, इससे अच्छा फ्लैट मिल नहीं सकता। फिर पूछा उन्होंने कि सर आप ऊपर फ्लैट में क्या बता रहे थे कि अगर हमने वास्तु नहीं किया तो मैं भाईंदर से एक साल के अंदर बोईसर चला जाऊंगा? मैंने कहा हाँ, ये फ्लैट के एंट्रेंस और टॉयलेट्स में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको एक साल में आपका डाउनफॉल लाएगी, एक साल में आसमान से ज़मीन पे आ जाओगे, आप भाईंदर से बोईसर चले जाओगे। तब उन्होंने मुझे कहा कि सर यही बात जो यहाँ पहले रहते थे वो मेरे क्लाइंट थे उनके साथ वही हुआ है। मैं तो भाईंदर में रहता था, वो तो बोरुली में रहते थे, और एक साल के अंदर वो बोरुली से बोईसर चले गए। वो मेरे साथ डायमंड का बिजनेस करते थे और एक साल में ऐसा डाउनफॉल हुआ कि वो बर्बाद हो गए, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। मुझे उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन में 6 करोड़ रुपए देने हैं पर वो दे नहीं पा रहा है, और उसके बदले मुझे वो ये फ्लैट दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे होता है और ये ट्रू स्टोरी है। जब भी हम लोग घर लेते हैं तो वास्तु कराना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई कोई घर ऐसा होता है कि आपको आसमान में पहुंचा देता है, और कोई घर ऐसा होता है कि आपको आसमान से ज़मीन पर लेके आता है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि आप करोड़ों का घर लेते हैं, लाखों का इंटीरियर कराते हैं, लेकिन हज़ारों में वास्तु कराने से कतराते हैं। आपको लगता है कि वास्तु ज़रूरत नहीं है, पर दोस्तों वास्तु इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अपने बिजनेस में आपके लाइफ में प्रोग्रेस करना है, आपके बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन में बहुत आगे पहुंचाना है, अपने माता पिता अपनी वाइफ को
वाइफ की हेल्थ अच्छी रखनी है तो घर का वास्तु कराना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कभी कभार हम एक 50,000 लाख का कंप्यूटर ले लेते हैं, लेकिन एक 500 रुपये का एंटीवायरस डालने में कंजूसी की तो कभी भी वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप क्रैश हो सकता है। इसी तरह वास्तु आपके घर के लिए एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। एक बार आपने वास्तु किया, आप लाइफ टाइम उस घर में सुख, शांति और समृद्धि के साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।